कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंटरफेरेंस। एक स्क्रीन, ये दूसरा स्क्रीन, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस है डी, कैपिटल डी, और फिर यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस है डी। यहां पे एक सोर्स रखा है, यहां पे एक सोर्स S1 रखा है, यहां पे S2 रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। फिर यहां पे एक सोर्स S3 है और यहां पे एक सोर्स S4 है और ये डिस्टेंस है y। ये मेरा है स्क्रीन वन और ये है स्क्रीन टू। अगर यहां से जो लाइट निकला उसका इंटेंसिटी है I नॉट, यहां से जो लाइट निकला उसका इंटेंसिटी है I नॉट, सही है? तो बता दे रहा S3 पे इंटेंसिटी कितना होगा? हाँ, S3 यहां लिखा है ना, हाँ वेरी गुड, 4 I नॉट होगा। अब जरा गौर करो कि स्क्रीन टू पे इंटेंसिटी, स्क्रीन टू पे इंटेंसिटी कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा। अच्छा, स्क्रीन टू पे गौर कीजिएगा, क्या स्क्रीन टू पे सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनेगा? यस सर। बोलो जी बोलो। यस सर। यस सर। वाई जितना भी रहेगा उसका आधा जो पोजीशन होगा वहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन टू पे, और स्क्रीन वन पे जो S3 है क्या यही सेंट्रल मैक्सिमा है? तो इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा ये y कितना है। क्यों सर, क्यों बोले सर y क्या है, जरा गौर करना। अगर अगर मेरा y है लैम्डा d बाई 2d, बताओ S4 का इंटेंसिटी कितना है? S4 का, S4 का इंटेंसिटी कितना है? जीरो होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा का। देयरफॉर याद रखना कि इंटेंसिटी जो हमारे S4 का है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ क्या स्क्रीन टू पे इंटरफेरेंस हो रहा है? हाँ, कहाँ समझेगा, याद गलत कर रहे बेटे तब ना समझेगा। y equals to lambda d by d, क्या ये पोजीशन फर्स्ट मिनिमा का है? Yes sir। तो अगर ये S4 फर्स्ट मिनिमा पे है तो क्या उसका इंटेंसिटी जीरो होगा? आप बता सोच के। सो ऑन स्क्रीन टू इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना, इंटेंसिटी मिनिमम कितना, इंटेंसिटी एवरेज कितना? 4 I naught and 4 I naught। ये 4 I naught किसका वाला है? S3 वाला, सही है ना? Yes, sir। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir। मान लो जैसे कि y है लैम्डा d by d, तो बता S4 का इंटेंसिटी कितना? 69 S4 का इंटेंसिटी कितना? बोलो जी बोलो, सब कोई बोलो। आवाज नहीं आ रही सर। तुम्हारा आ रहा, बाकी सबका? अच्छा नहीं, वही सोचा को आवाज नहीं आ रही। क्या ये समझा सबको, इंटेंसिटी ऑफ S4 इज 4 I नॉट? यस सर। यस। And intensity of IS3 is obviously, intensity of S3 is 4 I naught, वो तो पहले से था। Yes sir। आप सोच के बताना। So on screen 2, intensity maximum कितना? 16 I naught। Intensity minimum कितना? Zero।
और इंटेंसिटी एवरेज कितना? फोर आई नॉट, कहीं 16 है तो कहीं 0 है तो 4 I naught की 8 I naught. हाँ हाँ ये है, ठीक है. तो ये चीज ऐसा चलता. अब जरा मान लो एक रफ स्केच ऐसे ही दे दे, थर्ड दे दे, हम तुमसे ये बोल दें कि अब देखो भाई मेरा जो y है, ये y है लैम्डा d बाई 3d. अब ना ये मैक्सिमम में है ना ये मिनिमम में है, तो पहले तुमको पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना होगा, फिर फेज डिफरेंस को यूज करके इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा IS4 का. जैसे y दिया है, क्या किसी को याद है पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता था, del x is equals to d times of y by d. Yes, sir. अरे नहीं याद है सबको? क्या पाथ डिफरेंस आपको याद है d sin theta? Yes, और साइन थीटा में लिखा था वाई बाई डी. यहां पे लिख देगा डी बाई डी और वाई की जगह पे लैम्डा डी बाई 3d. तो ये डी डी कटा, ये डी डी कट गया, तो क्या तुम्हारे डेल एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 3 आ गया? Yes, लैम्डा बाई 3 आ गया, तो क्या तुम्हारा फेज का डिफरेंस निकलेगा 2π बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स लैम्डा बाई 3. लैम्डा लैम्डा कट गया, ये 2π बाई 3 आ गया. अरे बोलो बोलो. तो इतना से अब इसको यूज करके क्या तुम इंटेंसिटी ऑफ S3 S4 निकालेगा? I naught टू रूट अंडर I naught cos 2π/3. बोलो जी. यस सर. और फिर वहां से फिर IS4 और IS3 को लेके IS4 और IS3 को लेके फिर आगे सोचिए क्या होगा. क्लियर है? इसको कहते हैं सक्सेसिव इंटरफेरेंस. यहां से जो इंटरफेरेंस हो रहा फिर वो आगे के लिए यूज हो रहा है दो स्लिट्स की तरह. क्लियर है? यस सर. नोट करो फटाफट. Effect of path change behind the slits. Slits के पीछे. यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस है डी. अब हुआ क्या ना कि पीछे से रेस पे ऐसे गिर रहा, ऐसे. पूछा क्या है कि आखिर ये गिरने वाला रे कितने एंगल पे गिरे ताकि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे यहां मिनिमा बने. क्या तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? Find the angle theta so that minimum will form at center of the screen. अब जरा गौर करना, स्लिट के सामने अगर तुम सोचेगा तो स्लिट के सामने तो किसी तरह का फेज डिफरेंस है नहीं, उसके हिसाब से तो मैक्सिमा बनना चाहिए था. क्या सही है? Yes, sir. ऐसा. तो जो भी पाथ का डिफरेंस होगा वो तो स्लिट के पीछे है, तो उसके लिए क्या करें, यहां से एक परपेंडिकुलर डाले. बाहर से देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा फिर से थीटा हो गया. अगर ये डी है तो क्या यहां से यहां तक डी साइन थीटा हो गया? ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या था? फाइंड थीटा सो दैट मिनिमा विल फॉर्म at
स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे मिनिमम है, ठीक है। तो जरा गौर करना, जो वन से निकला हुआ वेव मिनिमा मतलब इस पॉइंट तक पहुंचा है और जो टू का वेव उस पॉइंट तक पहुंचा, उसके बीच का पाथ का डिफरेंस सही है, क्या बोलता है, सही है? नहीं समझा? अरे भाई इसके इधर दोनों बराबर चला है। हाँ तो सो पाथ डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू, वन और टू के बीच का पाथ का डिफरेंस क्या है? पाथ का डिफरेंस डी साइन थीटा है। तो फॉर्म मिनिमा, अगर आप चाहते हैं कि वहां मिनिमा बने, तो क्या ये पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई टू होना चाहिए? इसका मतलब डी साइन थीटा लैम्डा बाई टू होगा, या फिर थीटा इज साइन इनवर्स लैम्डा बाई टू डी होगा, क्या बोलता है, समझा? अगर इतने एंगल पे, अगर इतने एंगल पे वो वेव गिरेगा, वो लाइट गिरेगा, तो याद रखना कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मिनिमा बनेगा। अच्छा, अगर हम तुमसे बोलते हैं कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे फिर से मैक्सिमा बने, इसको लैम्डा से इक्वेट कर देते, इसको लैम्डा से इक्वेट कर देते, फिर से क्या बन जाता है यहाँ पर? मैक्सिमा, मैक्सिमा बन जाता। क्या ये क्लियर है सबका? तो स्क्रीन के पीछे भी कभी कभी काम हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। नाउ वेरी बिग कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर अब आगे का थ्योरी सब चलेगा, बढ़िया थ्योरी, और वो है फेज का चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। वेव जब किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, वेव जब किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, तो डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ मीडियम, मीडियम की चॉइस के ऊपर कि वेदर इट इज डेंसर और रेयरर, रिफ्लेक्टेड वेव इंसिडेंट वेव के साथ सेम फेज में भी हो सकता है, या रिफ्लेक्टेड वेव इंसिडेंट वेव के साथ अपोजिट फेज में भी हो सकता है। जो बताने जा रहे हैं यहां से, जितना भी आप आगे पढ़ाई करेंगे, सब में बेहद काम का चीज है, सो बी केयरफुल। पहला देखो जी, ये एक पतला सा वायर है और इसके बाद ये एक मोटा सा वायर है। एक्चुअली हम यहां वायर के फॉर्म में तुमको एक तरह से रेयर और डेंसर मीडियम दिखा रहे हैं। मान लो इस रेयर मीडियम के अंदर एक वेव है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहते हैं आप इंसिडेंट वेव। तो वो इस पॉइंट पे टकराएगा तो उसका कुछ हिस्सा इसी मीडियम में वापस आएगा और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में जाएगा। तो जो हिस्सा दूसरे मीडियम में चला गया वो हो गया रिफ्रैक्शन, और जो उसी मीडियम में वापस आया वो हुआ रिफ्लेक्शन। रिमेंबर, अगर डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट वेव के साथ रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट फेज में होगा। This is reflected wave. जबकि जबकि refracted wave still remains in same phase. ये refracted wave. देखो, अगर रेयर मीडियम में हमारा इंसिडेंट वेव है और इंसिडेंट मीडियम क्रस्ट है, इंसिडेंट वेव क्रस्ट है, ओके, रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? डेंसर मीडियम के सरफेस से। तो रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट फेज में होगा, मतलब गया था क्रस्ट तो लौटेगा ट्रफ,
लेकिन रिफ्रैक्टेड वेव हमेशा सेम फेज पे होगा, मतलब क्रिस्ट है तो क्रिस्ट होगा. इज दिस क्लियर? यस सर. ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है, ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है अगर आप एक वायर ले और उसको यहाँ पे फिक्स्ड तौर पे बांध दे. यहां से जाएगा इंसिडेंट, याद रखना जो रिफ्लेक्ट होगा वो अपोजिट फेज में होगा. दिस इज रिफ्लेक्टेड. तो कभी भी अगर डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, कभी भी अगर डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ तो याद रखना कि इंसिडेंट वेव के साथ रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट फेज में होगा, इंसिडेंट वेव के साथ रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट फेज में होगा, लेकिन रिफ्रैक्टेड वेव सेम फेज में होगा. चल भाई अब बी पे ध्यान दे. इधर है डेंसर, इंसिडेंट, और यहां एरर. ये देखो, अगर एरर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, अगर एरर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ तो याद रखना कि इंसिडेंट वेव के साथ रिफ्रैक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सब सेम फेज में होगा. कोई फेज का चेंज नहीं. ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव और ये मेरा रिफ्रैक्टेड वेव. ठीक है, अगर रेरर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, फिर से अगर रेरर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव सब इंसिडेंट वेव के साथ सेम फेज में होगा. इंसिडेंट वेव में अगर क्रिस्ट है तो इसमें भी क्रिस्ट है, इसमें भी क्रिस्ट है. समझे क्या? यस सर. एंड दिस विल, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट विथ व्हेन दिस एंड इज मूवेबल. अगर वो एंड मूवेबल है, मान लो कोई रिंग लगा है कोई छोटा सा, तो जाएगा क्रिस्ट, तो याद रखना लौटेगा भी क्रिस्ट. मूवेबल एंड होना चाहिए, मूवेबल. ठीक है, नोट करो यहां तक, फिर और आगे बढ़ते हैं. From reflection, from denser surface reflected wave have additional phase pi or path lambda by 2. So आज से मैं इसलिए तैयार रही कि अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम के सरफेस से, अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम के सरफेस से, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसमें फेज में एडिशनल पाई या पाथ में लैम्डा बाई 2 होगा. दोनों तो एक ही चीज है ना? Yes, sir. फेज में एडिशनल पाई yes, sir. या पाथ में एडिशनल लैम्डा बाई 2, ये उसके साथ ऐड हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. टॉपिक है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट. लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट फिगर पे ध्यान देना, सब खेल अब फिगर का होगा.
मान लो जैसे तुम्हारे पास एक मिरर है, एक मिरर, इस मिरर का ये है सिल्वर एंड, मतलब पॉलिश क्या होता है, इसमें ऊपर S1 एक सोर्स है, तो आपको पहले भी हम बता चुके थे उसका जो इमेज बनेगा S2 वो इसका दूसरा कोहेरेंट पेयर ऑफ सोर्स होगा, कोहेरेंट होगा S2 जो इसका इमेज है वो भी एक सोर्स है, क्लियर है? यस सर। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डी। अब सोचिए यहां पर, यहां पे एक वेव सीधा S1 से निकला और डायरेक्ट पहुंच गया और दूसरा वेव S2 से निकला पहुंचा। पता चला आपको कि S2 से तो कोई वेव निकलता ही नहीं, आपको पता है S2 से कोई वेव नहीं निकलता, तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या होता है, हम बहुत बारीक चीज ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। S1 से दो रे निकला, एक डायरेक्टली पहुंच गया और एक एकदम बगल 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 में जाकर रिफ्लेक्ट करने के बाद पहुंचा, मतलब एक क्या किया ना, ऐसे आया रिफ्लेक्ट होके तब पहुंचा। तो जो रिफ्लेक्ट होके पहुंचा उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वो कहां से आ रहा है, S2 से आ रहा है, ठीक है? अब देख भाई थोड़ा ध्यान से अब समझने का कोशिश करना। Now, अब पाथ डिफरेंस जब भी लीजिएगा तो तीन चीज सोचिएगा, एक सोचिएगा ज्योमेट्री, फिर एक सोचिएगा ऑप्टिकल इफेक्ट और फिर एक सोचिएगा फेज का चेंज। देखो जब स्टार्टिंग क्लास हुआ था तो केवल और केवल पाथ डिफरेंस में हम लोग ज्योमेट्री वाला लेंथ लेते थे, सही है? Yes, फिर लास्ट ऑप्टिकल पाथ पढ़ा था, म्यू माइनस वन इंटू टी आया था। Yes, और आज उसके साथ साथ फेस का भी अगर चेंज रहेगा उसको भी लेके चलना है, ठीक है? सो फ्रॉम S1 टू P एंड S2 टू P, S1 से P और S2 टू P अगर आप डेल एक्स लेंगे तो डेल एक्स ज्योमेट्री, डेल एक्स ऑप्टिकल और डेल एक्स फेज, क्या ये ज्योमेट्री वाला लेंथ देख रहा है जीरो है? ऑप्टिकली कोई स्लैब लैब है नहीं, लेकिन ये वाला तो होगा ना लैम्डा बाई टू। यस सर। बोलो बोलो। यस सर। तो तुम्हारा फेज का पाथ का डिफरेंस आया लैम्डा बाई टू, सही है? So, minima will form. General interference में इस पोजीशन पे मैक्सिमा बनता था या मिनिमा? मैक्सिमा। लेकिन इस बार क्या बनेगा? मिनिमा। So, in general, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ये वो जगह है जहां हमारे जनरल केस में मिनिमा बनता था, एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा ये वो केस है जहां जनरल केस में हमारा मैक्सिमा बनता था। क्या आपको समझ में आया? जिस पॉइंट क्या बोले जनरल के, अरे यार इसके लिए लिख रहा है, इसके लिए। अच्छा इसके लिए लिख रहा है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमा वहां बनेगा जो हमारे पहले वाले इंटरफेस में जहां जहां मिनिमा बनता था। यस सर। और जहां जहां पहले वाले इंटरफेरेंस में मिनिमा बनता था वहां यहां मैक्सिमा बनेगा, एंड सो ऑन रिवर्स, करेक्ट? इन दोनों में
n का वैल्यू स्टैंड करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, n का वैल्यू स्टैंड करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्लियर है? लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में मिरर से रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है हैव एडिशनल डेल एक्स लैम्डा बाय 2, और इसी डेल एक्स लैम्डा बाय 2 होने की वजह से जनरल इंटरफेरेंस में जहां जहां मैक्सिमा बनता था लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में वही वही मिनिमा बनेगा। लेकिन 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 जो तुम्हारा बीटा है, कहने का मतलब फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू सेम रहेगा। नोट करो बीटा Meet. अच्छा, मिरर के सामने खड़े हैं तो जरूरी है क्या कि हमको अपना इमेज दिखाई देगा? नहीं। देखो हम मोबाइल के सामने खड़े हैं, देखो हम आपको छिपा के हाथ दिखाते हैं, देखो मोबाइल के सामने खड़े हैं, आपको हम दिखाई दे रहे क्या? नहीं। अच्छा क्यों नहीं दिखाई दे रहे, बोलिए तो। एक्चुअली है ना, हर चीज का एक विजन फील्ड होता है, जैसे मोबाइल में जो कैमरा लगा उसका ये फील्ड है, अगर इस फील्ड के अंदर कुछ है तो वो दिखेगा, अगर इस फील्ड के बाहर है कुछ तो नहीं दिखेगा, कैसे ही है? Now see that. आई फील टेस्ट हुआ था? Yes, sir. कितना एंगल है? वो यार किधर नीचे वो डॉट 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 वो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है। हाँ वो आप लोग के लिए नहीं है, डॉक्टर लोग पढ़ेगा। Yes, sir. अच्छा बता पाए। मान लो जैसे यहां तक मिरर, ओके, चलिए आप लोगों को थोड़ा कुछ खिला दे अच्छा से, देख भाई ये मिरर है, और तुम्हारा सोर्स जो है यहां है S1, तो इसलिए उसका इमेज यहां S2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है A, मिरर का अपना लेंथ है L, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है B, B, B लिखे नहीं कहीं, B लिख देते B, ये मेरा स्क्रीन है, आपको पता चल रहा है कि कहां से कहां तक इंटरफेरेंस होने का चांसेस है? हम आपको दिखाते हैं, देखो S1 से लाइट आया, और यहां से रिफ्लेक्ट किया, अब हम कहां पहुंच रहे पता नहीं, थोड़ा टेढ़ा कर देते, ओके, दूसरा देखिए, S2 से लाइट यहां गई, S1 से लाइट यहां गिरा, और फिर S2 से जाके रिफ्लेक्ट करके यहां पहुंचा, A B C D, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F, आपको पता चल रहा है यही वो रीजन है जिसमें आपका इंटरफेरेंस होगा? यस सर, यस सर, इंटरफेरेंस रीजन आपका इंटरफेरेंस होगा तो यही होगा, ओके, अब जरा गौर करना, जरा गौर करना, ठीक है,
अगर हम उस इंटरफेरेंस के रीजन का लेंथ निकालना चाहते हैं, ई से एफ तक का हम अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पॉइंट्स लिखते चल रहे हैं, एस वन एस टू ए कैपिटल बी सी, दिस पॉइंट इज डी और ई एफ तो लिखा हुआ है। सी दैट ई से एफ निकालना है भाई, हम उसी का तैयारी करना चाह रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल ए बी एस टू, ए बी एस टू एंड ट्रायंगल बी डी एफ, बोलो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? अरे बोलो सब भाई। यस सर। ए बी एस टू, ए बी एस टू और बी डी एफ, देख ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर, यहाँ 90 है 90 बराबर, सिमिलर ट्रायंगल। ओके यस सर। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे, क्या हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए एस टू बाई डी एफ। बोलो बोलो सबको। तो यहां से तुम डीएफ का वैल्यू निकालेगा ए बी बाई बी डी, सॉरी उल्टा, एस टू इंटू बी डी, एस टू इंटू बी डी बाई ए बी। वर्क करो, एस टू कितना है, ए एस टू क्या डी होगा, डी, BD कितना है, B से D क्या L प्लस B है, L प्लस B, और नीचे देखो AB कितना है, A है A, ये DF आ गया। अच्छा DF आ गया तो अब अगला काम D निकालना होगा ना, तब ना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। DE के लिए कौन सा सिमिलर ट्रायंगल चुनेगा तू? सिमिलर ट्रायंगल AS टू C और CDE। हाँ, इन सिमिलर ट्रायंगल ए सी एस टू, ए सी एस टू एंड ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। देखो भाई, ए सी बाई ए एस टू, ए सी बाई ए एस टू इज इक्वल्स टू सी डी बाई बी ई। बोलो बोलो सही है। तो क्या यहां से DE का वैल्यू, DE का वैल्यू आ रहा है CD मल्टीप्लाइड विथ AS2 by AC। CD कितना है, CD कितना है, B है, AS2 कितना है, D है, और AC कितना है, A plus L है। बोलो बोलो समझा? अरे कहाँ गया? Yes, sir. हाँ ठीक है। सो लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन, लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन कहने का मतलब ई एफ, ई एफ कैन बी रिटन एज डी एफ माइनस डी ई, EF, EF can be written as DF minus DE, सही है? Yes sir. तो DF आप निकाल के रखे थे, लंबा चौड़ा वहां है, D by A bracket में L plus B minus DE आप निकाल के रखे हैं B into D by A plus L, अपना सॉल्व कर लीजिएगा या जो आएगा है। यही है इंटरफेरेंस का रीजन, जहां इंटरफेरेंस होगा, ठीक है? अब तरह बात करना, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसको आप बीटा लिखते हो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। कभी सोचते हैं इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी सब का मतलब क्या है? यस सर। क्या है कैपिटल डी?
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, यही है ना? यस सर। और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। सही है। तो इस फिगर के हिसाब से क्या यहां मेरा बीटा लैम्डा कैपिटल डी के जगह पे ए प्लस एल प्लस बी होगा? ए प्लस एल प्लस बी और स्मॉल डी के जगह पे टू डी होगा? Yes, sir. बोलो बोलो, समझा? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अभी मान लो जैसे ये बीटा में ए एल बी सब पुट कर दें और इस बीटा का वैल्यू आ जाए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसका सारा डाटा पुट कर दें तो ये आ जाए 50 सेंटीमीटर। तो बताओ उस पूरे इंटरफेरेंस के पैटर्न में कितना फ्रिंजेस दिखेगा? 10। समझा? तो उसी चीज को जनरलाइज कर दें। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इज इक्वल्स टू ई एफ रीजन बाई बीटा। बोलो सही है? ई एफ रीजन बाई बीटा, क्लियर है? Yes, sir. This is called law and mirror experiment. और सबसे अच्छा बात स्कूल सिलेबस में नहीं है। तो भाई देखो, स्कूल सिलेबस का काम हो गया है खत्म। अब लगे हैं जो आज ही नहीं, अभी बहुत खेल बाकी है, इसमें बहुत खेल बाकी है। एक से एक ड्रॉइंग, एक से एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब काम है। अब देखो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकिन बन किस पे रहा? सिमुलेटर? नहीं नहीं, एकदम आसान है, काय नहीं होगा। तुम ही लोग के बनाने के लिए नाम देंगे कुछ, कि अपने बनाने के लिए कुछ सिखाने के लिए तो सही है। आप बोले कहते हैं जी ये है मिरर। यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है, पीछे का ये डिस्टेंस, पीछे का ये डिस्टेंस मान लो क्या लिख दें? A लिख दें। अब देख हुआ क्या होगा, S1 से वेव और S2 से वेव यहाँ पहुंचा होगा, फिर S1 से रे गया होगा कहीं टकराया होगा, S2 से रे गया होगा कहीं टकराया होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके कहीं मिला होगा और यहां हुआ होगा इंटरफेरेंस। ओके, दिस इज स्क्रीन। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। फाइंड फ्रिंज विड्थ। ऑफ हाँ इंटरफेरेंस पैटर्न। फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। हो गया? बोलो आंसर। सर लैम्डा ए बाय डी। योर आंसर इज बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी। यहाँ पे जो तो डी होता है वो स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है। तो इसमें रे देखो, सामने गया डी, वापस आया डी, फिर पीछे गया ए, सो डी प्लस ए, और नीचे तो दोनों स्लिट के बीच का गैप, तो ये डी। सो योर आंसर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ डू डी प्लस ए बाय डी। समझा क्या? अच्छा, रे का लेंथ निकालेगा तब तो हर जगह फ्रिंज विड्थ बदल जाएगा, हर जगह तो रे का लेंथ बदल जाता है। अरे ये गड़बड़ा
यहाँ पे तो सबसे कम लेंथ, फिर यहाँ अलग लेंथ, लेंथ 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 सब जगह अलग अलग लेंथ होगा तो अलग अलग बीटा होता है क्या? नहीं सर, डायरेक्ट ए निकले, ए मतलब यहाँ से निकल के इधर गया है क्या? नो सर, सामने डी, वापस डी और फिर पीछे आप बता ले रहे हैं, यहाँ मिरर है ध्यान से। यहाँ पे बताओ y मैक्सिमा का जनरल फॉर्मूला, y मैक्सिमा क्यों ऐसा? वेरी गुड भाई, यहाँ देखिए यहाँ दोनों में डिफरेंस, दोनों में रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन अगर दोनों में है तो लैम्डा बाई टू दोनों में आएगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और मैक्सिमा वही बनेगा जहां वाई मैक्सिमा बनता है जनरल इंटरफ्रेंस का, समझा? और मिनिमा वही बनेगा जहां y मिनिमा बनता है जनरल इंटरफेरेंस का, समझा क्या? क्योंकि दोनों में लैम्डा बाई टू है, समझे? यस सर।